और इसका व्रत हमारी सनातन परंपरा में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए की जाती है। और निर्जला एकादशी का व्रत करने से शास्त्रों में कहा गया है कि सारे व्रत त्योहारों का फल एक बार में ही मिल जाता है। कौन कौन इसका व्रत रख सकता है? हर कोई रख सकता है, कोई भी रख सकता है, कोई युवा जो भी रखना चाहे वो रख सकता है। इसका कोई निर्जला एकादशी का व्रत रखना सिर्फ और सिर्फ निर्जल रहना होता है और भगवान का परमात्मा का ध्यान करना होता है। हम किसी भी अपने इष्ट देवी देवता का भी पाठ कर सकते हैं और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। एकादशी तिथि को आप पूरा दिन कर सकते हो, ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के संध्या काल तक सारा दिन आप जाप कर सकते हो। कल 18 जून को निर्जला एकादशी है, आखिर क्यों मनाई जाती है एकादशी और कितना अलग हुंदी है जैसे जानेंगे, पर उस तो पहला थानू ये दस दिए कि विष्णु जी दी ये हुंदी है एकादशी, सो इदे विच की खास हुंदा है वो जैसे जानेंगे। साडे नाल अज मौजूद ने वैदिक एस्ट्रोलॉजर गौरव तोमर जी, उन्हां तो जानदे हां आखिर क्यों मनाई जाती है ये एकादशी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। पहले तो एकादशी क्यों मनाई जाती है? एकादशी क्यों मनाई जाती है, हम आपको जैसे कि पहले आपको बता दें कि एकादशी एकादशी क्या है। एकादशी जो महीने में जो हमारे सनातन परंपरा में वैदिक धर्म में जो महीना होता है 12 महीने होते हैं, आप लोग जिसे जानते ही हैं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ करके जो हिंदी के महीने होते हैं उनमें जो 11 तिथि होती है उसे एकादशी कहते हैं। जो 11वीं तारीख होती है उसे एकादशी कहते हैं। और महीने में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो एक कृष्ण पक्ष में एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में एकादशी पड़ती है। ये निर्जला एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। और इसका व्रत हमारी सनातन परंपरा में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए की जाती है। एकादशी ते होर भी बहुत सारियां हुंदियां ने, तुसी जिवें दस्या महीने दे विच दो बार हुंदी है एकादशी, सो ए एकादशी किद्दां अलग हुंदी है? निर्जला एकादशी का जो सबसे बड़ा महत्व है कि निर्जला एकादशी में पानी नहीं पीना होता है सारा दिन। और निर्जला एकादशी का व्रत करने से शास्त्रों में कहा गया है कि सारे व्रत त्योहारों का फल एक बार में ही मिल जाता है। अच्छा, मतलब इतनी खास हुंदी है जी। सो ये कौन कौन इसका व्रत रख सकता है? हर कोई रख सकता है, कोई भी रख सकता है, कोई युवा जो भी रखना चाहे वो रख सकता है। इसका कोई निर्जला एकादशी का व्रत रखना सिर्फ और सिर्फ निर्जल रहना होता है और भगवान का परमात्मा का ध्यान करना होता है। कोई भी रख सकता है। हर तरह की एकादशी का लोग व्रत रख देने ते इस दे विच ये भी किया जाता है कि विष्णु जी की सब तो वड्डी एकादशी होंगी है, कि जो ये एकादशी का व्रत रखा जाता है तो पिछले चाहे तुम कोई व्रत ना रखे होना तो तुम्हें ज्यादा फल मिलता है, तो क्यों? निर्जला एकादशी महाभारत में कथा आती है, निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। महाभारत में कथा आती जो भीम थे वो भूखे नहीं रह सकते थे, वो व्रत त्योहार नहीं रख व्रत नहीं रख सकते थे, उनको भूख अधिक लगती थी। इस वजह से उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि मुझे आप कोई ऐसा उपाय बताओ, हम कोई ऐसा व्रत कर लें, ऐसा कुछ भी कर लें ताकि मुझे एक ही बार करना पड़े सिर्फ। अच्छा हाँ, तो उन्होंने कहा कि जो हमारी निर्जला ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसमें तुम निर्जल व्रत करना शुरू कर दो और तुम्हें सारे व्रतों का पुण्य एक बार में ही मिल जाएगा। और उन्होंने फिर निर्जला एकादशी को आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी निर्जल रहेगा उसे फिर कोई दूसरा व्रत करने की जरूरत नहीं है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान आवागमन के चक्कर से मुक्त होता है, मनुष्य आवागमन के चक्कर से मुक्त होता है जी। इस दिन कोई ऐसा ना जाप या फिर ऐसा ना कोई पाठ होता है जो अगर कोई कर लवे चाहे उन्हें व्रत नहीं रखिया? देखिए, एक सबसे अच्छी चीज है कि एकादशी व्रत भगवान विष्णु पे बेस्ड है जी, ठीक है। अब यहाँ पे भगवान विष्णु पितरों जो पितर हैं, विष्णु को पितरों को भी विष्णु का स्वरूप माना गया है जी। जो हमारे पीर होते हैं उनको भी विष्णु का स्वरूप माना गया है, इसके बारे में विस्तृत हो जाएगा। तो हम किसी भी संप्रदाय से हैं, कहीं से भी, हम किसी भी अपने इष्ट देवी देवता का भी पाठ कर सकते हैं और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, भगवान कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करना चाहिए जी। जाप किस समय करना चाहिए भला? देखिए, एकादशी तिथि को आप पूरा दिन कर सकते हो, ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के संध्या काल तक सारा दिन आप जाप कर सकते हो। हर व्रत जो तो कोई भी व्रत होता है सवेरे सूर्यास्त के टाइम से शुरू हो जाता है, कि ये भी ऐसे तरीके ही होता है जी।
ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के संध्या काल तक एकादशी का, जब तक की एकादशी तिथि है इसका महत्व रहता है। यदि एग्जैक्टली विधि की रहती है, देखिए मैंने पहले ही आपको कहा कि इसमें निर्जल रहना होता है और भगवान विष्णु की पूजा करनी होती है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं, कोई विशेष खास विधि नहीं है जी। आपको इसमें उपवास करना है और भगवान का सच्चे मन से ध्यान करना है, बिल्कुल निर्जला पूरा दिन, पूरा दिन निर्जल रहना। ये व्रत जो खत्म होता है जब, इसको कैसे अंतिम में हम क्या कर सकते हैं जी? इसमें जो है भगवान, भगवान का ध्यान करके, परमात्मा का ध्यान करके, किसी को भोजन खिला करके इसका जो है पारण किया जाता है। और आपको हम एक चीज ये भी बता दें, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत उपवास उसी व्यक्ति को करना चाहिए जो कर सके जी। जैसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बीमार व्यक्ति हैं, जो मनुष्य मतलब जो इंसान बीमार है उसको नहीं करना चाहिए। बीमार व्यक्ति की, बुजुर्ग व्यक्ति का पूजा करने का कोई विधान नहीं, व्रत करने का कोई विधान नहीं। शास्त्रों में कहा गया कि इनके लिए ये चीजें नहीं है। जो व्यक्ति कर सकता है उसको करना चाहिए, जो नहीं कर सकता है वो ऐसे ही परमात्मा का सच्चे हृदय से ध्यान करे जी, तो उसको फल की प्राप्ति होगी। व्रत कहते होंगे ना कि रात दे समय दे व्रत खोली दा होंदा है, ये व्रत कितना खुलता है? जितना करवा चौथ दा चांद देख के खुलता है व्रत, तो ये व्रत कितना खुलता है? देखिए सूर्य अस्त के बाद, सूर्य अस्त के बाद भगवान की पूजा करके आप नॉर्मल भोजन ले सकते हैं जी, गाय को खिलाने के बाद में जी। अच्छा, मतलब लास्ट दे विच पहले गाय नु खिलाना होंदा है, फिर भोजन करना होंदा है? हां हां जी। और जैसे भगवान विष्णु पे बेस्ड है, तो अगर व्यक्ति कर सकता है तो पीला भोजन करना चाहिए जी, जो जैसे पीली वस्तु होती है, जैसे चने से बनी हुई जी। सो मतलब इदां दी छोटी छोटी चीजां करके मोक्ष दी प्राप्ति हो सकती है? देखिए मोक्ष की प्राप्ति बिल्कुल हो सकती है। अब आपका भाव ऐसा होना चाहिए, आप किसी के मन में गलत विचार मत रखो, आप अच्छे हृदय से, अगर आपका हृदय अच्छा नहीं है तो आप कुछ भी करो जी। सो लास्ट दे विच साडे दर्शकां नूं ए जरूर दस के जाओ कि इदां दा इस व्रत दे की करण कि उहनां नूं ज्यादा फल मिले जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप निर्जला एकादशी के दिन आप व्रत करते हुए, आप जो जैसे कि आपके बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों का जैसे हम एस्ट्रोलॉजी की, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो बृहस्पति भगवान विष्णु को गुरु भी माना गया जी, तो बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, मंदिर में जाकर के, गुरुद्वारे में जाकर के सेवा करनी चाहिए, उससे ज्यादा फल की प्राप्ति होगी जी। सो साडे नाल मौजूद सी गौरव तोमर जी, जिस जिन्हां नाल असीं गलबात कीती कि कल जो एकादशी है उसका व्रत किदां रखीदा है। सो जेकर तुहाडे कोई सवाल ने तुसीं जरूर पूछ सकदे हो, तुहाडा जवाब जरूर दिता जाएगा। एंड कोशिश करो तुसीं भी कल दा एक इह व्रत जरूर रखो, तुहानूं भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ते होर अपडेट्स साडे नाल जुड़े रहो, ते देखदे रहो तुसीं जी हेडलाइन।